हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज सिसोदिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम एंकर यूज करते हैं, ए एलिमेंट का यूज करते हैं। दोस्तों, जब हमें एक पेज पर क्लिक करके दूसरे पेज पर जाना होता है, बाहर की इन्फॉर्मेशन मुझे जाननी होती है, तो हम एंकर एलिमेंट का यूज करते हैं, जिसे एंकर लिंक देने के लिए काम आता है। लिंक करने दूसरे पेज का लिंक हम एंकर से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से वो एंकर यूज होता है। ठीक है, सिंटैक्स देख लीजिएगा। ए दोस्तों, जैसे कि मैंने इमेज में बताया था आपको कि इमेज में src एट्रीब्यूट ऐसा होता है जो इमेज के एलिमेंट के साथ यूज होता है। इसी तरह से एंकर के साथ href, ये एलिमेंट इस तरह होता है कि हाइपर रेफरेंस सिर्फ ए एलिमेंट के साथ ही यूज होता है और किसी के नहीं होता है। ठीक है, तो ये इस तरह का एट्रीब्यूट होता है। तो ये सिंटैक्स में बता देता हूँ। ये एंकर लाएंगे आप, इस तरह से एंकर बंद हो जाएगा और ये क्लोजिंग टैग करगा। और क्या टेक्स्ट आपको डिस्प्ले कराना है दोस्तों, मान लीजिए आपको कराना है gmail.com। ओके, ये पेज आपको ओपन करना है ब्राउजर विंडो से। ठीक है, तो अब देख लीजिए, मैं बता देता हूँ किस तरह से आएगा। इस तरह से एंकर बन जाएगा। ठीक है, gmail.com। ओके, इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। इस तरह से ये एंकर ये बन जाएगा। तो ये अब लिंक बन चुका है। इस लिंक पर मैंने एड्रेस डालना है जीमेल का। ओके, तो मैं यहाँ जीमेल का एड्रेस डाल के दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने जीमेल को ओपन करना है। ठीक है, जब ये एक चीज़ का ध्यान रखना, जब ये ब्लैंक होता है, जब आपको कोई भी मैसेज नहीं देना होता है, तो एंकर को इस तरह से यूज करते हैं, हैश ला देते हैं। इसका मतलब ये अभी कोई लिंक नहीं हुआ है, ब्लैंक है। मैं इस पर क्लिक करूँगा दोस्तों, ये किसी पेज पर नहीं जाएगा, तो इसको हमेशा ब्लैंक छोड़ा जाता है। और जब मैं इसमें लिंक लगाऊंगा तो नेक्स्ट पेज का, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे। मान लीजिए मैंने जीमेल का लिंक ले लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये इसको मैं पहले क्लोज कर देता हूँ। ये देखो दोस्तों, ठीक है, ये यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ मैं इसकी जगह इसको डिलीट करके यहाँ इसको कॉपी कर देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। दोस्तों देखिए, जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो नीचे आप यहाँ देखिए, इसमें क्या हो रहा है, ये लिंक जो आपने डाला है तो उस लिंक को यहाँ शो कर रहा है कि इसमें आपने इस पेज से लिंक कर चुके हैं। दोस्तों जैसे ही मैं क्लिक करूँगा इस पर, ये क्लिक किया मैंने इसको, और ये देखिएगा ये पेज खुल गया है, क्योंकि मेरा मैंने नेट कनेक्शन लगा रखा है, इसलिए पेज खुल जाता है। बैक जाता हूँ तो ये बैक यहाँ चला जाएगा। इसको क्लोज, इसको मैंने फिर खोला है तो फिर ये पेज पर चला जाता है। इस तरह से ये लिंक हम इसमें दे सकते हैं। मान लीजिए मैं एक इसमें लिंक देता हूँ, मैं नेक्स्ट लिंक देता हूँ, इसको एड्रेस में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपने इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ मैंने गूगल का लिंक दे दिया है, ये मेरा कहाँ यहाँ डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ।
आप देखिए जो आपने यहाँ इस लिंक डाला है वो नीचे शो कर रहा है ब्राउज़र पर, ये शो कर रहा है, ये शो कर रहा है। तो ये आप इसको जैसे एंटर करेंगे ये इस पेज पर चला जाएगा और आपको इस पेज पर ले जाएगा। ठीक है, आप यहाँ चाहें तो इसको गूगल लिख सकते हैं, गूगल जो भी आपको डिस्प्ले कराना है जितना वो यहाँ जाएगा। इसको मैं रिफ़्रेश कराता हूँ, तो इस तरह से ये google.com। दोस्तों इस तरह से हम एंकर के द्वारा लिंक कर सकते हैं, और दूसरे कितने ही पेज होते हैं, जितने आप पेजेस लिंक करना चाहते हैं वो लिंक कर देंगे। ये देखिए ये दिस, ये इस तरह से चला जाएगा। ओके, ये देखिए आप चाहते हैं कि इसके बाद यहाँ DR लग जाए और यहाँ भी एक एंकर लग जाए, इस तरह आप एंकर लगा सकते हैं। मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ, जीमेल का एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ, या आप अपना कोई पेज का एड्रेस जो आपके सिस्टम पर पड़ा उसका एड्रेस भी दे सकते हैं। मैं यहाँ जीमेल का देता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ जीमेल गूगल पर माउस को लेकर आया हूँ। तो आप नीचे देखेंगे तो दिस वन, यहाँ एड्रेस चेंज हो रहा है दिस, ये, और नीचे लाएंगे तो जीमेल का शो हो रहा है। ठीक है, मैंने गूगल पर क्लिक किया तो गूगल पेज, ओके, जीमेल पर क्लिक ऑन जीमेल, दिस इज जीमेल, नाउ दिस इज गूगल, क्लिक ऑन गूगल, दिस इज क्लिक ऑन जीमेल, दिस इज जीमेल। ओके दोस्तों, आज आपने देखा कि किस तरह से आप पेजेस को लिंक कर सकते हैं। ये आज के लिए इतना काफ़ी है। ये मेरा पेज है फेसबुक पर, इस पर भी आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर सकते हैं, मेरे वीडियोस देख सकते हैं। ये मेरा चैनल है यूट्यूब पर, यहाँ भी मेरे वीडियोस देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि सब्सक्राइब करने से दोस्तों जो नोटिफिकेशन आएगा नए नए वीडियो का वो आपके पास पहुँच जाएगा। इस तरह से आप ये लिंक दे सकते हैं। तो आज का टाइम, इतना कीमती टाइम आपने निकाला, उसके लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।